नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक बड़ी में। मैं आपका होस्ट कम दोस्त ज्यादा अखिल चौधरी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड अपडेट्स को लेकर। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए गाइस सीधा वीडियो पे चलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दिया होगा उसे आप दबा लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दिया होगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी जब मैं वीडियो को अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए गाइस सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों नेस्ले ने दो प्रोडक्ट निकाले हैं, दो प्रोडक्ट हैं जो कि फुल ही प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं। दोस्तों पहला प्रोडक्ट है हमारा वीगन किटकैट। जी हाँ दोस्तों, वीगन किटकैट। तो नेस्ले ने दोस्तों क्या करा है कि वीगन किटकैट निकाली है और उनका मानना है कि ये फुली प्लांट बेस्ड है। और ये कह रहे हैं कि बहुत ही टाइम से वो रिसर्च कर रहे थे, उनका R&D सेक्शन बहुत ही मेहनत से ये प्रोडक्ट लेके आया है। मेन उनकी ये प्रॉब्लम थी कि जो टेस्ट है किटकैट, किटकैट खुद में ही बहुत ही बड़ा मशहूर प्रोडक्ट है, हर एक वर्ल्ड वाइड पे आपको ये नेस्ले का जो प्रोडक्ट है किटकैट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में आपने ये भी देखा होगा जैसे मैगी एक बहुत ही बड़ा नाम है, वैसे ही किटकैट बहुत ही बड़ा नाम है नेस्ले का। तो उन्हें ऐसा प्रोडक्ट निकालना जो कि किटकैट के जो रेपुटेशन है उसके साथ मेंटेन कर सके, तो करके इस रिलेटेड उन्होंने जो प्रोडक्ट की जो रिसर्च है वो बहुत ही डेप्थ में करी है। और उन्होंने कहा है कि जो इसका टेस्ट और ये फ्लेवर होगा वो खासकर वैसे ही थोड़ा थोड़ा सेम सेम होगा जैसे पुरानी किटकैट जैसे कि हम खाते ही थे, नॉर्मल किटकैट होती थी। तो करके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेस्ले के द्वारा बनाया गया है। ये दोस्तों प्रोडक्ट क्यों बनाया गया है, मैंने दोस्तों अपने पिछली वीडियो में बताया था कौन कौन से नए ट्रेंड आने वाले हैं फूड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, और ये भी बताया था कौन से लेटेस्ट स्टार्टअप्स आप स्टार्ट कर सकते हो। तो वैसे ही आप देख सकते हैं नेस्ले हो गया और कोई बड़े बड़े ब्रांड हो गए, ये सारे क्या कर रहे हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं क्योंकि जो कंज्यूमर है अब वो चेंज हो रहा है, उनकी डाइट में ना चेंज आ रहा है, वो सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। अब आती है नेस्ले जापान के बारे में। तो नेस्ले जापान ने दोस्तों नेस्कैफे वीगन लाते निकाली है, वीगन लाते मतलब कि प्लांट बेस्ड वीगन लाते। लाते तो आपको पता होगा नेस्कैफे लाते, सबको ही पता होगा, आपको उसकी तस्वीर दिखाई दे रही होगी। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट इसलिए लॉन्च करा है अभी रिसेंटली, मतलब कि कुछ इस वीडियो को डालने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा है। तो उनका ये मानना था कि ये प्रोडक्ट इसलिए वो लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर से फीडबैक मिल रहा था कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आओ जो कि प्लांट बेस्ड लाते हो। तो उन्होंने नेस्ले ने अपना काम करा और लॉन्च कर दिया जापान में, और उनका कहना था कि ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो पहले ट्रायल पे डालेंगे, मतलब इनकी कंज्यूमर रिक्वायरमेंट देखेंगे, डिमांड देखेंगे, इनका अगर डिमांड अच्छा हुआ तो वो वर्ल्ड वाइड पे फैलाने वाले हैं, सेम इन केस ऑफ किटकैट वीगन में। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था कि आने वाले टाइम पे आपको सारी जो आपको आइटम होगी वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पे बहुत ही ज्यादा दिखने वाली हैं जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लॉन्च करने वाली होंगी। कोई भी ऐसा लेटेस्ट अपडेट होगा दोस्तों मैं तो आपको बता ही दूंगा। तो इस कारण आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। तो दोस्तों मुझे लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा गाइस यूजर नेम है फूड टेक बढ़िया, इसी नाम से आप अगर चैनल को सर्च करेंगे, मतलब कि इंस्टाग्राम पे आगे आप यूजर नेम सर्च करेंगे फूड टेक बड़ी, तो आपको मेरा आपको मैं जहाँ पे दिखा दूंगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे जाइए उसे फॉलो कर लीजिए और मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इंस्टाग्राम को भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।